Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Syed Ali Naqvi Department of Political Science, GPGC Mansera. Today's my topic is difference between Western and Islamic concept of state. So first of all, I would like to discuss Islamic concept of state or society. The very first point is. सावरेंटी ऑफ अल्लाह इन इस्लामिक स्टेट और सोसाइटी सावरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह इज़ सान ही इज़ ऑम ही इज़ एब्सलूट एंड ही हैज़ अनलिमिटेड पा कि इस्लाम में अल्लाह ताला जो है वो सावरन है और तमाम ज़हान का वही हलक है ये पूरी कायनात उसी ने तख्लीक की है हल्क अस्सा मवा उसने ज़मीन व आसमान बनाए हैं और ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है उसका हालक व मालक वही है और हर चीज़ उसी के ताबे है ये पूरी कायनात उसी के ताबे है इसी तरह से क़ुरान शरीफ़ में अर्षात होता है कि इन अल्लाह को लिन कदीर बेशक अल्लाह हर हाँ चीज़ पर कादर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली दाई टी अल्लाह इज एप्सलूट सावरन नो अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन बी डिक्लेयर एज एन एप्सलूट सावरन कि अगर एप्सल्यूट सावरन की बात करें तो सिर्फ अल्लाह ताला ही तब्सलूट सावरन है क्योंकि दुनिया का क्रिएटर भी वही है दुनिया में इंसान को पैदा करने वाला ही वही है और इंसान को मारने वाला भी वही है मौत देने वाला भी वही है और उसको दोबारा जिंदगी देने वाला भी वही है तो इस तरह से ही इज़ एब्सोल्यूट सावरन सावरन बिलोंग्स टू अल्लाह इन इस्लामिक स्टेट और सोसाइटी द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कि इस्लामिक स्टेट और सोसाइटी के अंदर शरीयत को नाफज किया जाएगा शरी कवान को नाफ़ किया जाएगा इस्लामी असूलों के मुताबिक कवानी बनाए जाएंगे इस्लामी कवानी को नाफ़ किया जाएगा कुरानी तलीमा के मुताबिक तमाम कवानी बनाकर उनको नाफ़ किया जाएगा और तमाम फ़ैसले शरीयत के मुताबिक किए जाएंगे तो ये इस्लामी रियासत की एक खसूसियत है उसका एक इम्पोटेंट फीचर है कि वहाँ पर शरीयत नाफज होगी और जो हमरान है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो शरी असूलों और शरी कवान को नाफज करें और कोई भी कानून ऐसा ना बने जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो जो कुरानी तलीमत के ख़िलाफ़ हो बिकॉज इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ और इंसान इस्लाम मुकम्मल जबतः हयात हैं और ये ज़िंदगी के हर शोबे के लिए हदायात फ्राहम करता है तलीमत फराम करता है नेक्स्ट है वाइस ची जिसे हम कहते हैं खिलाफत या खलीफ़ा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि इन्नी जहाफ़ी आद खलीफ़ा कि मैं दुनिया में अपना नायब पैदा करना चाहता हूँ मैं दुनिया में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पैदा करना चाहता हूँ तो इंसान की असीयत दुनिया में अल्लाह ताला के नायब की सी है अब अगर कोई हुक्मरान है कोई हाकम वक्त है तो वो भी अल्लाह ताला का नुमाइंदा है रिप्रेजेंटेटिव है और ये हुक्मरानी या ये रियासत या ये हुकूमत उससे एक अमानत के तौर पर दी गई है और कल उससे उसके बारे में अल्लाह ताला पूछेगा और वो उसके सामने जवाबदेह है हुक्मरान ताला के सामने जो आपदे है और अल्लाह ताला उससे उसके जितने भी दुनिया में जो काम उसने किए हैं जिस तरह से हुक्मरानी की है जिस तरह से हुकूमत चलाई है उसके बारे में वो उससे पूछेगा बिकॉज़ अल्लाह ताला इज़ एब्सोल्यूट सावरन नो अदर पर्सन इज़ एब्सोल्यूट तो अब खलीफा का काम सिर्फ यही है कि वो इस्लामी असूलों के मुताबिक हुक्मरानी करे याकूमत करे एक हाकम व वक्त की जिम्मेदारी है कि वो कि वह शरीय को नाफज करे वह इस्लामी कवानी को नाफज करे वो कुरानी तलीमात के मुताबिक फ़ैसले दे तो इस तरह से उसका रोल लिमिटेड है और वो सिर्फ शरीय का पाबंद है नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय कंसल्टेशन कि इस्लाम कंसल्टेशन कंसल्टे मशवर पर जोर देता है कि आप अगर कोई फ़ैसला करना चाहते हैं और वो फ़ैसला इंसानी हकूक़ या लोगों से वाबस्त है तो आपस में सलाह मशवर कर लिया करें मिल बैठ कर फैसला कर लिया करें और एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बहिमी मशवरे से कंसल्टेशन से फ़ैसला किया करें जिस तरह रसूल अक्रम सख्तल के मौक़ पर शब्राम तो से सलाह व कर लिया करते थे जैसे हमारे सामने गज़ की मिसाल है तो इस तरह इस्लाम दर्ज देता है हमें कि सलाह व कर लिया करें पेमेंट ऑफ़ ज़कात अब इस्लामी रियासत के अंदर पेमेंट ऑफ़ ज़कात एक बहुत ही इम्पाटेंट नुक्ता है बहुत ही इम्पाटेंट खूसियत है इसकी बहुत ही अहम खूसियत है कि जिसमें एक मैार मकर कर दिया गया है कि जो अमर हैं उनके माल में गरीबों का हिस्सा है और चूँकि इस्लाम कंसनट्रेस ऑफ वेल्थ को डिस्करेज करता है ज़ख़ीरांदोजी को कभी भी इस्लाम उसकी हौसला अफज़ाई नहीं करता बल्कि उसे आराम समझता है और इस्लाम उसे अंदोजी को या कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ को आराम करार देता है इसलिए पेमेंट ऑफ़ ज़क़ात रखा गया है कि अमीर लोगों के माल में गरीबों का हिस्सा है और इसी तरह से उशर का निज़ाम है कि जो ज़रूरी पैदावार है उसमें भी गरीबों का हिस्सा है फिर सदको खैरात हैं तो इस्लाम अमीर और गरीब के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना चाहता है और उस पर उसका फोकस इस पर है कि जो अमीर और गरीब के दरमियान जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और अमीरों पर यह फ़र्ज किया गया है कि वह अपना माल गरीबों पर खर्च करें ताकि एक, एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एक इस्लामी रियासत के अंदर आ, कोई गरीब ना हो और कोई अमीर ना हो बल्कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम लोगों को हकूक़ दिए जाएँ और तमाम लोग इन हकूक़ से मुस्त हो सकें और एक बेहतर इंसान और एक बेहतर शरी के तौर पर सामने आए तो इस तरह सही मानों में इस्लामी रियासत एक फ़लाई रियासत है कि जो लोगों की शहरीों की बेहतरी की बात करती है उनकी डेवलपमेंट की उनकी प्रोग्रेस की बात करती है और, और जो माल है या दौलत है उसको लोगों के ऊपर खर्च करने की बात करती है तो सही मानों में एक इस्लामी रियासत एक फ़लाई रियासत है कि जो हुरानों को पाबंद करती है कि वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें और जो माल है रियासत का जो माल है जो रियासत के पास रेवेन्यू है वो उनकी डेवलपमेंट के लिए खर्च करें एक एंड जस्टिस इस्लाम अदल मसवात इंसाफ का दर्ज देता है कि बराबरी की बुनियाद पर सबको ट्रीट किया जाए बराबरी की बुनियाद पर सबको को हकूक दिए जाए और कायम किया जाए किसी के ऊपर जुल्म ना किया जाए तो इस्लाम इंसाफ का दर्स देता है और जिस तरह से कुरान शरीफ़ में इशाद है किम तुम बीनानन्नासंत को मबिलहदल के अगर तुम्हें हुक्मरान बना दिया जाए तो अदल से फ़ैसला करो कि जब तुम हाकम बना दिए जाए तो तुम्हारा फ़ैसला अदल के मुताबिक हो इंसाफ के मुताबिक हो जुल्म ना करो लोगों पर फिर इसी तरह से फ़ंडामेंटल राइट्स इस्लाम तमाम लोगों को बग़ैर किसी तफरीक के बुनियादी हकूक़ देता है और वो इस्लामी रियासत और हुमरान की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों को बिला किसी तफरीक फ़ंडामेंटल बुनियादी हकूक़ थे ताकि वो एक आ, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जो है वो गुजार सकें एक महजब और महज़ शहरी बन सकें और एक महजब और महजस ज़िंदगी बसर कर सकें कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इस्लामी रियासत सही मानों में एक वेलफेयर स्टेट है जो कि लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करती है और हुक्मरान को ये दर्ज देती है उसको ये पाबंद बनाती है कि वो लोगों की फला व बहबूद के लिए काम करें उनकी बेहतरी के लिए काम करें और रियासत का जो माल है जो रेवेन्यू है वो लोगों की बेहतरी के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए खर्च करें अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न ऑफ स्टेट क्या है इन वेस्टर्न कन्सेप्ट ऑफ़ स्टेट सावरेंटी बिलोंग्स टू द पीपल कि वेस्टर्न कन्सैप्ट में सावरेंटी लोगों के पास है कि वेस्टर्न कन्सेप्ट ऑफ स्टेट में लोगों को सावरन समझा जाता है जिस तरह से डेमोक्रेसी से पहले मनारकी या डिक्टेटोरियल जो रूल था उसमें डिक्टेटर या मनारक जो था वो अपनी मर्जी से फ़ैसले करता था एज़ एब्सलूट सावरन और उसकी मर्जी के मुताबिक तमाम कवानी बनाए जाते थे और वो अपनी मज़ी मसलत करता था फिर जो मौजूदा दौर है और जिसमें डेमोक्रेसी की बात करती है बात की जाती है लिबरल डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो इसमें लोगों को कहा जाता है कि पीपल आर सावरन एंड गवर्नमेंट विल मेक लॉज अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द पीपल लोगों की मर्जी के मुताबिक ला बनाए जाएंगे और आ, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ला बनाए जाएंगे और लोगों को सावरन समझा जाता है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आ, लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और आ, उनको एलेक्ट करके बेचते हैं और वो उनके बिहार पे वहाँ पर हुक्मरानी करते हैं या रूल करते हैं और फिर जब उनका टेन्योर खत्म होता है तो दोबारा इलेक्शन होता है फिर उन्हें इलेक्ट किया जाता है तो इस तरह लोगों को सावरन समझा जाता है इसी तरह से नो ऑफ़ शरिया वेस्ट में या वेस्टर्न जो स्टेट है उसमें शरिया का कोई नहीं है बल्कि जो लॉज हैं वो लेजिस्लेचर बनाती है या सावरन बनाता है और उन्हें इन्फोर्स किया जाता है रियासत के अंदर और जो उसे आ, ब्रीच करे ब्रेक करे वायलेट करे उन्हें पनिश किया जाता है और तमाम कवानी जो हैं वो मैन मेड हैं ना कि वो शरी कवानी हैं क्योंकि मौजूदा रियासत जो है वो एक सेकुलर रियासत है और वो वेस्टर्न रियासत जो है या जो मगरबी रियासत है वो एक सेकुलर रियासत है और सेकुलरज़म जो है वो रियासत और मज़हब को एक दूसरे से जुदा करता है गवर्नमेंट बाय कंसल्टेशन अब वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट में भी गवर्नमेंट बाय कंसल्टेशन है कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक और मशर के, के तहत गवर्नमेंट की जाए कंसेंसस से फ़ैसले किए जाएं, पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक फ़ैसले किए जाएं ताकि लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे उनकी जो ज़रूरिया हैं वो पूरी हो सकें और उनके हकूक़ जो हैं वो वायलेट ना हो। फिर जिस तरह से इस्लाम में पेमेंट ऑफ ज़क़ात था तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स है लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि चूंकि इन वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट में इनका अपना कोई कंसेस नहीं है और डिफरेंट आइडियालॉजीज़ और डिफरेंट सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं जैसे कमनिज़्म है और सोशलिज्म है कैपिटलिज्म है तो उसमें हर एक का अपना अपना निज़ाम हकूमत है और हर एक में मुख्तलिफ किस्म का माशी निज़ाम है अब जो कैपिटलिज्म है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर आ, जो लोअर मिडल क्लास है और जो लोअर क्लास है या मिडल क्लास है वो ज़्यादा एक्सप्लाइट होते हैं आ, पेमेंट ऑफ टैक्स के सिलसिले में क्योंकि वहाँ पर एकवेलिटी बेस पर यह चीज़ें नाफज नहीं की जाती और जाहिर है कि जो एलीट क्लास है वो डामिनेट कर रही होती है और वो एक्सप्लाइट कर रही होती है जो लोअर क्लास है उसको लोअर मिडिल क्लास है उसको तो पेमेंट ऑफ टैक्स तो है वहाँ पर लेकिन ये टैक्स जो है ये ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को एक्सप्लाइट कर रहा है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम जो निज़ाम देता है ज़कात का वो सब पर इक्वली अप्लाई करता है और इस्लाम में कंसंट्रेशन ऑफ़ वेल्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है लेकिन वेस्ट में अगर हम देखें और कैपिटलिज्म में अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा है और इसी तरह से जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है तो वो बहुत ज़्यादा उनका इसटे हो रही है फिर इसी तरह से एकवैलिटी एंड जस्टिस वेस्टर्न कन्सैप्ट में भी इस एक्वेलिटी और जस्टिस की बात की जाती है फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है कि तमाम लोगों को बुनियादी हकूक हासिल होंगे और रियासत उनको प्रोटेक्ट करेगी रियासत उन्हें इन्फोर्स करेगी उनके राइट्स को जो उससे वायलेट करेगा उन्हें पनिश किया जाएगा लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि चूँकि कैपिटलिज्म को अगर हम लें तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है और एलीट क्लास जो है वो डामिनेट कर रही है और आ, जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो एक्सप्लाइट हो रही है और ज़्यादा तर वेल्थ जो है वो अमरा के पास है या एट क्लास के पास है या अपर क्लास के पास है तो इस तरह से दीगर लोग जो आ, जो मेजर पोर्शन है पापोलेशन का वे एक्सप्लाइट हो रहा है और ए क्लास डामिनेट कर रही है तो इस तरह से वहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट का कन्सेप्ट है वो कम है और लोगों की एक्सप्लेटेशन ज़्यादा होती है तो आज का ये टॉपिक था हमारा डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट तो मैंने कोशिश की कि आपको इसके जो बुनियादी नुकात हैं वो आसानी से समझा सकूं उम्मीद है आपको समझ आई होगी तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है Next next truck. you Allah office.